अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ईद ख़त्म हो चुकी है, लाइफ जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ चुकी है। स्कूल, ऑफिस, सब कुछ वापस से वही हो चुका है। मगर इन सब में एक चीज़ रह गई है, वो रह गया है मेरा वीलॉग। असल में ऐसा नहीं है कि मैंने वीलॉगिंग नहीं करी, मैंने करी, मैंने वीडियोस बनाई, मगर वो मैं अपलोड नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। एक्चुअली मेरा जो एक रमज़ान के लास्ट वीक का वीलॉग है वो बना हुआ है, बट आई कुडंट अपलोड दैट। एंड देन फिर ईद का था, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया, वो भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो देन आई थॉट कि मैं पहले एक चीज़ क्लियर करूं और फिर उसके बाद वो दोनों चीज़ें साथ में अपलोड करूं। सो हुआ ये कि लास्ट वीक जो रमज़ान का था वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था, बच्चों का स्कूल भी था, और फिर लास्ट में आपको पता है प्रिपरेशन करना कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें रहती थी मेरी करने की, तो वो भी साथ में चल रही थी ऑफिस से आने के बाद। फिर इफ्तार बनाना एंड बच्चों को स्कूल भेजना और फिर ख़ुद भी ऑफिस जाना। तो वो व्लॉग मैंने पूरा अपना जो रमज़ान का लास्ट वीक वाला था वो मैंने अपलोड करना था मुझे, बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि इन सारे कामों की वजह से। ऑफिस से आने के बाद मैं बस यही सोचती थी कि हाँ मैं अभी अपलोड करती हूँ, अभी अपलोड करती हूँ, ये काम ख़त्म कर लूँ तो अपलोड करती हूँ, वो काम ख़त्म कर लूँ तो अपलोड करती हूँ, और वो करते करते दिन गुजरते चले गए। और फिर ईद आ गई, तो देन आई थॉट कि अब ईद आ गई है, अब मैं उसका क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो उसको बाद में सोचते हैं, अभी ईद की मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ईद पे तो मैंने ना मतलब ज़बरदस्त व्लॉगिंग करनी है, और मैं ईद के तीनों दिन जो है ना प्रॉपरली कवर करूँगी। और क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कितना डिफ़िकल्ट होगा करना, बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मुझे अभी स्टार्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत अच्छा सा व्लॉग बना लूँगी ईद का तीनों दिन का, क्योंकि मेरा ईद वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह वाज़ वेरी हैपनिंग। सो आई थॉट कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल एज वेल। बट वो ईद पर भी प्रॉपरली नहीं हो पाया। ईद का फर्स्ट डे आई वॉज़ टू ऑक्यूपाइड विथ माई यू नो लंच, बिकॉज हमारा ईद का फर्स्ट डे मूवीज़ के ददियाल वालों का लंच होता है यहाँ पर, तो सब यहाँ पर आए हुए थे एंड आई थॉट कि मैं कर पाऊंगी, बट मैं नहीं कर पाई साथ में शूट, क्योंकि आपको पता है जब आपके घर में इतने सारे मेहमान होते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज करना होती हैं आपको, खाना देखना होता है, गेस्ट को देखना होता है, अपने बच्चे भी देखने होते हैं, और जो सारा मेस क्रिएट हो रहा होता है वो भी देखना होता है, और गेस्ट को भी इंटरटेन करना होता है, और फिर साथ में व्लॉगिंग। आई डोंट नो कैसे लोग कर रहे थे, एंड सीरियसली बहुत जो भी जिसने भी किया है वो बहुत 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 अच्छा किया, बिकॉज मैंने बहुत कोशिश करी और मैं नहीं कर पाई, तो आई नो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है करना। तो वो मेरा ईद का जो फ़र्ज़ डे था वो ऐसे ही वेस्ट हो गया, मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं सारी चीज़ें छोड़ कर और मैं कैमरा उठाऊँ और मैं कर लूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है, वो मैनेज कर पाए, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट है, तो आई नो अभी मेरे चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ईद का फर्स्ट डे तो गुजर गया है, तो ईद का सेकेंड डे उसमें तो मतलब मैंने बैंड बजा दे दी है और मैं ज़बरदस्त कोई ईद की व्लॉगिंग करूँगी सेकेंड डे की। अगेन मैं नहीं कर पाई कुछ। ईद का सेकेंड डे जो है वो मुईज़ की नानी के घर हमारा डिनर था, तो मैंने कहा चलो मैं वो शूट कर लूँगी। सुबह का पूरा दिन मेरा गुजर चुका था, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है वो शूट करने की सुबह के दिन की, और फिर वो भी मैं नहीं कर पाई। वहाँ पे गई तो इतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी कैमरा वगैरह को लेकर लोगों के सामने, तो फिर मैं वो भी नहीं कर पाई। तो वो ईद का सेकेंड डे भी गुजर गया। फिर ईद का थर्ड डे आया, वो मैंने थोड़ा सा शूट किया, और फिर उसके बाद ईद का अब ये ईद ख़त्म होने के बाद अब ये दूसरा वीक है, और मैं दो हफ्ते मैंने यही सोचने में लगाती कि अब मैं करूँ क्या। वो जो लास्ट वीक ऑफ रमज़ान का व्लॉग था वो भी मेरा पूरा रेडी पड़ा हुआ है, और ये रमज़ान जो मेरा ईद का व्लॉग है थोड़ा बहुत वो भी पड़ा हुआ है, तो मैं अब क्या करूँ, मैं इसको कैसे अपलोड करूँ। तो आई वॉज़ सो वरीड एंड आई मतलब जो भी है जैसा भी बनाया मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाह रही थी कि मैंने किया तो है उसको मैं वेस्ट क्यों करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूं कि इन दोनों व्लॉग को साथ में मर्ज करके मैं अपलोड कर देती हूं और आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट आप जब वो देखने बैठें तो आप कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सोचने में मैंने दो हफ्ते लगा दिया। आई नो आई एम यू नो आई एम बीइंग टू लेज़ी एंड आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद अभी तक वो रूटीन में ही नहीं आ पा रही हूँ रमज़ानों के बाद से। सो अब फाइनली मैं अब इंशाल्लाह आज जो है वो ये दोनों व्लॉग साथ में अपलोड करूँगी एंड यू विल गेट
आप लोगों को वो व्लॉग मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 जैसा भी बनाए प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। और जब आप वो व्लॉग देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या रमज़ानों से पहले का व्लॉग जो था वो क्या है और ईद के बाद का क्या है एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। सो एनीवेज जैसा भी व्लॉग है प्लीज़ आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करेगा एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आएगा और बिल्कुल प्रॉपर व्लॉग होगा। तो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप जाकर मेरा ये वाला व्लॉग देखें और फिर उसके बाद ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और व्लॉग प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप मेरा ये व्लॉग देखें। तो नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और सुबह तो नहीं, आज दोपहर हो रही है और बस उठने के साथ ही आज मैंने पहला काम ये किया है कि शावर ले लिया है, खुद भी पूरी जमी ले लिया है और बच्चों को भी शावर दिला दिया। एनिमल्स है वो शावर लेके ऊपर चली गई है सुमेरा के पास। कबीर इज हियर, कबीर इज वॉचिंग पेपा पिग। और मैं अभी जोहर की नमाज वमाज पढ़ के फारिग हो गई हूँ और अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं, आज का हमारा क्या प्लान है। मुझे कभी जाना है किसी काम से तो वो उसके लिए जाएंगे और फिर जब वहाँ से वापस आते हैं देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमारा जो पेंडिंग काम रह गया ईद का वो हम आज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेट्स सी। तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग का क्या प्लान होगा आगे का, तो वी आर गोइंग टू द डॉलर मॉल जो कि हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं ख़रीदने के लिए ईद के लिए, वो हम लेंगे। और बस अफ्तारी हम लोग आई गेस मोस्ट प्रॉब्लम बाहर ही करेंगे क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं तो अफ्तारी भी हमारे साथ बाहर ही हो जाएगी। नहीं ये भी रेडी होकर। और कभी यार आप हमेशा मेरा पर्स क्यों पकड़ के बैठे रहते हो? नेमल और कबीर ये रे और फातिमा तुम चुप क्यों गई हो? बाहर आ गए अभी मगर वेदर इतना अच्छा हो रहा है, हालांकि इतनी गर्मी पड़ रही है 2-3 दिनों से, मगर अभी इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी, देख सकते हैं आप लोग। और धूप भी बिल्कुल नहीं है, हालांकि टाइम है धूप वाला, सो इट्स लाइक थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है। आप बैठो कार में, नेमल आइए कम कम से कम से कार मेरे साथ बैठोगी? आ जाए बैठ जाए पीछे। हम लोग निकल चुके हैं अब डॉल्फिन सिटी मॉल जाने के लिए और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, आप देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है और विंडी भी है, हवाएं भी बहुत चल रही है और हवाएं भी ठंडी है, गर्म हवा नहीं है और वो ही सही रहे। वो कोई तो बड़ा क्लोजअप आ गया भाई अब सही है। तो आज कोइंसिडेंटली हम सब ने ब्लैक पहन लिया, नेवल ने भी ब्लैक पहना हुआ है, मैंने भी और मुइस ने भी और कबीर ने भी। सो हम लोग डॉन मॉल पहुँच चुके हैं और इफ्तार जो है वो खुल चुकी है। वी जस्ट हैड वाटर क्योंकि गाड़ी में रखा हुआ था, हमने पानी पिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर फूड कोर्ट की जगह पे जहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। और असल में हमारे साथ हुआ ये कि हम निकले तो टाइम पे थे मगर हम लोग बीच में रुक गए एक जगह ज़ैरा मार्केट, वहाँ पर मुझे इन लोग की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली घर पर पहनने के लिए समर्स के लिए, तो मैंने वो लिया और फिर अब हम लोग डॉन मॉल आ गए। पूरा मॉल खाली हुआ है क्योंकि सब फूड कोर्ट पे आऊँ अभी। सो वी आर सिटिंग एट द फूड कोर्ट राइट नाउ और इतना ज़्यादा रश है कि जगह भी नहीं मिल रही, इतनी मुश्किलों से हमें जगह मिली है, इतनी मुश्किलों से जगह मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ का हाल ऐसा है कि लोग जो है ना वो ज़मीन पर बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। सो एनी वेज हमें फाइनली जगह मिल गई है, मैं और कबीर बैठे हुए हैं और मुई जो है वो सारी जगह उसको मेन्यू लेने गए कि वो मेन्यू लेकर आएंगे तो हम चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। वी हैव ऑर्डर्ड अ फूड मगर उससे पहले हमने ऑर्डर किया है अपने लिए चाय क्योंकि सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि चाय के बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारी चाय आ गई है, पहले चाय पीते हैं और फिर उस वक्त इंशाल्लाह खाना भी आ ही जाएगा। So Vazia is buying this cotton candy for kids. You happy now? Happy now. Now let's go shopping now.
आपको कह रही हूँ, आप देख लेना कुछ अपने लिए। बाय द वे, वी आर हियर एट सॉल्ट सॉल्ट जो कि गुल अहमद की तरह का है। मुझे आप देख लें, अपने कोई टी शर्ट आपको मिल जाए। बच्चों का अब चल चल के बुरा हाल हो चुका है, सो मैं और मुईज हमने डिसाइड किया है कि लेट्स टेक अ ट्रॉली फॉर देम सो दैट दे कैन यू नो सिट इनसाइड द ट्रॉली। बताऊँ ना तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है अभी तक। ये बैठे हुए हैं दो लोग, बच्चों के साथ शॉपिंग जाना मुश्किल है, मम्मी की नेमल और कभी भी फिर लगाएंगे कि उनको राइट से आना है, पहले उनको कभी कुछ खाना है कभी कुछ खाना है, तो अब हम फाइनली उनको लेकर आए हैं सिनबा। मेरा दो टके का काम है, लिटरली दो टके का काम है। ये रही नेमल और कबीर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा, और कबीर इज सिटिंग हियर। और इन बच्चों ने हमें कुछ नहीं करने दिया, हाइट खिलाएंगे और फोटो निकल जाएंगे और आईना कभी बच्चों को लेकर जाएंगे जब एक्चुअली हमें काम करना होगा। अब कल हम लोग ऑफिस से वापसी पे आएंगे, जो हमारा काम है ही है हम फिर तब करेंगे, तब से मैं और खुद को तो हम कुछ भी कर सकते हैं काम। और नेमल जो है वो इधर आ गई है, इधर बैठी हुई है वो, राइट्स पे बैठना था। ये देखें राइट्स पे कैसे बैठी हुई है, ऐसे बैठी हुई है जैसे इससे ज़्यादा बोर कोई नहीं। सो अब नाउ दे आर डूइंग दिस, आई एम सो डन। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है इन लोगों को लेकर आकर। लुक एट देम, ओके मैं जरा इनका फेस जूम करती हूँ। नहीं बस क्या हुआ, एक बज रहे हैं और गैस नहीं है अभी तक, और बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना है खाने के लिए, तो हमने एक जुगाड़ निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं। ये रहा सैंडविच मेकर, इस सैंडविच मेकर के अंदर ना मैंने इनके बर्गर पैटी है वो डाल दिए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। या फिर मैं सहरी में फ्राई करके रख लिए थे और अब मैं इसमें जो है ना इसको थोड़ा सा और टोस्ट कर रही हूँ और ये गर्म हो चुके हैं। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस निकाले हैं, दो बर्गर बंस भी हैं मगर उनको ब्रेड खानी है मेरे बच्चों को, इसमें मैंने थोड़ा सा केचप लगा दिया है। और अब मैं इसको बंद करती हूँ और मैं ये बर्गर पैटीज में रखूँगी और फिर ये सैंडविच मेकर में रख दूँगी, तो एटलीस्ट ये हुआ कि कुछ ना कुछ चला जाएगा बच्चों के पेट में, कुछ ना कुछ खा लेंगे वो। इट्स नॉट हेल्दी बट क्या कर सकते हैं। फिर इसको ओपन करते हैं, बस इनको ज़्यादा टोस्टेड नहीं चाहिए, इसी तरह का चाहिए तो मेरे दोनों बच्चों को, तो बस फिर इसको यहाँ से स्विच बंद करते हैं और यहाँ से निकालते हैं और फिर देते हैं इनको। और ये मैंने ऐसे इनको की स्विच जो है वो रेडी कर ली थी, अब चल कर इनको देते हैं। बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सदर, एक्चुअली सदर नहीं जैना मार्केट जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल मैंने डॉमिन सिटी मॉल जाने से पहले हम लोग जैना मार्केट चले गए थे, क्योंकि वहाँ से निकलने के समर के कपड़े लेने थे, वो बहुत रीजनेबल और बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आराम से आपके समर से बच्चे घर में तो पहन ही सकते हैं। तो मुझे वहाँ से ना नेमल की बहुत सारी टी शर्ट्स मिल गई थी, बट इफ्तार का वक्त होने वाला था तो हम ना उसके शॉर्ट्स नहीं ले पाए थे, तो फिर मैंने कहा कि अब जब आज है ही छुट्टी तो हमें काम करते हैं, हम जाकर जैनब से ही जो है वो शॉर्ट्स भी ले लेते हैं, और अगर हमें कभी कभी कुछ समझ में आता है दो तीन चीज़ें और यू नो घर पे यूज़ करने के लिए तो फिर वो भी ले लेंगे। दोनों का फेवरेट काम है रेडी होकर फ़ौरन से लॉन में चले जाते हैं खेलने के लिए। चलो आओ, गर्मी देख रहे हो आप दोनों, फाइनली हमने कब खा लिया उसने। सो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और आज हमें बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे भी हैं
मगर हैं बहुत सारे और वो हमने आज हर हालत में कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर आगे हमारे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वीकेंड के वीक डे के बीच में ही जो है वो छुट्टियाँ भी आ जाएंगी और वीकेंड भी नहीं आ रहा बीच में कोई, तो इसलिए हमने आज अपना सारा काम हर हालत में कम्प्लीट करना है। और नेमल जो है वो ये भी अच्छी हुई है, नेमल को दिखा दें भाई, ये नहीं नेमल कबीरेरा मोइेर है और फातमा पीछे बैठी हुई है। सो बस अब चलते हैं और फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखाते रहेंगे। चले जी हम पहुँच गए हैं, अभी पार्किंग में है, पार्क करिए काम सामान निकालें और बच्चों को थे ना हम लोगों ने आयाम भाई के पास करके गया था कि शॉपिंग करीब में, तो हमने उनको वहाँ पर छोड़ दिया है ताकि हम जितने भी काम थे ना वो कर लें और आराम से हो जाए, क्योंकि बच्चे फिर आपको पता ना कल भी उन्होंने काम नहीं करने दिया था। तो बस अब हम लोग इसमें से सामान निकाल रहे हैं और तो कुछ नहीं ना। हाँ बस चलो यहाँ वाला काम ख़त्म हो गया है, मेरा सारा सामान जो हम लोग को लेना था एंड लिटरली बच्चों के बगैर हम लोगों ने आधे घंटे में काम किया है, जो कल हम शायद 2 घंटे लगाने के बाद भी हमसे ये काम नहीं हो पाया था। सो एनीवेज अब दूसरी जगह चलते हैं, जो जहाँ दूसरा काम है हमें अब वहाँ जा रहे हैं, अब बैठते हैं अब जल्दी से। कैसा रहा बच्चों के बगैर काम करना है ना, इतनी आसानी से हमने काम किया है, इतनी आसानी से, मतलब कल हम लोग आगे 2.5 घंटा यहाँ पे ख्वार हुए हैं और तब भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, और बिकॉज ऑफ कबीर एंड नेमल, बिकॉज इतना तंग किया था हम लोगों ने और अभी हम उनको छोड़ कर आए और हमने लिटरली 1.5 घंटे में पूरा काम खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक। आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को ईद जो है वो इतना लेट विश कर रही हूँ, कल आई कुडंट एबल टू शूट एट ऑल, कल ईद का फर्स्ट डे था और सब कुछ जो है ना ईद के फर्स्ट डे हमारे घर में बड़ा जो है वो हलचल मची हुई थी, आई थिंक मोस्टली ज़्यादा लोगों के घरों में हो रही होती है। असल में मेरे घर में ईद के फर्स्ट डे होता है लंच, सो कभी ऊपर जाके बोला है मैंने कि ऊपर जाके बुला कर आओ, ऐसे तो नहीं बुलाते। सो हमारे घर ईद के दिन होता है लंच मुईस के पूरे ददियाल का, सो सुबह से जो है बस हम तैयारियों में लगे हुए होते हैं, वो तैयारी करी, बच्चे नमाज पढ़ वढ़ कर आए मुईस और बच्चे, और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच वंच लगाया, फिर वो सारे जो इतने में गेस्ट थे वो सारे गए फिर मगरिब के बाद, और उस वक्त हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बस हम लोग सो गए। सो एनीवेज आज ईद का सेकेंड डे है, थोड़ा सा जो है आज बेटर है, आज इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, हमें आज रात में डिनर में जाना है जो कि मुझे इसकी नानी के घर पर है, तो हम लोग वहाँ की जाने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी आज मुझे भी शीर खुरमा बनाना है तो वो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है बनाना, और बस आज जो जो होता रहेगा वो हम दिखाते रहेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ईद का सेकेंड डे आप लोग को प्रॉपरली दिखाऊँ और इवन ईद का थर्ड डे भी प्रॉपरली दिखाऊँ। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, मैंने अभी इसकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, बादाम पिस्ता खजूर एंड खोपरा, आप लोग बताएगा कि आप लोग क्या क्या इसमें ऐड करते हैं, तो बस अभी थोड़ा सा पकेगा तो फिर इसमें हम सेवैयाँ ऐड करेंगे एंड शुगर ऐड करेंगे। सो ये यहाँ पे पक रहा है। तो कल की मेरे पास कोई वीडियो वगैरह तो नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और जब तक गेस्ट गए उसके बाद घर का हाल इतना बुरा हो रहा था, उसको हमने साफ़ वगैरह किया, मुईस की खुपियाँ जो हैं वो स्टे करेंगी हमारे घर पे टिल ईद के 4 डे तक, तो फिर बस उनके साथ रात में बैठे हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, बहुत इन्जॉय किया, तो मैंने कैमरा और मोबाइल को टच ही नहीं किया रात में, लिटरली जाके मैंने 12:30 बजे अपना मोबाइल उठाया और मैंने फिर उस वक्त अपनी पिक्चर्स बनाई अपने सोशल मीडिया पे, सो यू कैन चेक माय इंस्टा पेज फॉर ईद फर्स्ट डे लुक, और मैं इस व्लॉग में भी जो है वो फर्स्ट डे की पिक्चर्स जो है वो अभी बीच में डाल देती हूँ, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगी, तो आपको देख लीजिएगा कि मैं कैसा रेडी हुई थी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कैसे रेडी हुए थे, तो वो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आज की पूरी तैयारी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और जब हम दावत में जा रहे हैं वहाँ पर भी कवर करने की कोशिश करूँगी कि मैं वो भी दिखाऊँ और कल का भी पूरा चलो दिखाऊंगी, सो आई एम वेरी सॉरी कि इसका फर्स्ट डे आप लोगों से भी मिस हो गया मुझसे भी, तो वी हैव इन्जॉयड अ लॉट बट कुडंट कवर एनीथिंग। यूजुअली इसका फर्स्ट डे जो है वो दोपहर में हमारे घर लंच होता है जो कि पता ही होता है और रात में मम्मा के घर डिनर होता है, बट मम्मा जो है वो मेरी बहन के घर गई हैं तो इसलिए हम कल रात में घर पर ही थे।
लाउंज हमारा भी ऐसा हो रहा है, सारा साफ़ सुथरा हो चुका है कल की गंदगियों के बाद। अब ये जो कपड़े धुले हुए थे ये सारे तय करके रखे हैं, ये सारे समेरा के कपड़े हैं, ये ऊपर जाएंगे, ये मेरे कपड़े हैं ये मेरे रूम में जाएंगे, ये बच्चों के कपड़े हैं ये कबर्ड में जाएंगे। और माई हस्बैंड माशाल्लाह से हमारी रात की दावत के लिए ही आयरनिंग माई क्लोथ्स जो कि मुझे आज पहनना है रात में, तो वो बाकी मैं कमरे का भी हाल दिखाती हूँ। मुझे ना ये सारा कुछ समेटना है, ये कल जो ज्वेलरी पहनी थी वो सारी रखी हुई है मेरी, और ये रिनेमल की यहाँ पे टिश्यू रोल, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेकअप रिमूव किया था अपना, तो मुझे ये जगह सही करनी है। बेडशीट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो रही है तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे निर्मल ने जो पहनना है वो है, और ये हमारे कल वाले कपड़े हैं जो कि लॉन्ड्री बास्केट में जा रहे हैं और जो कि अभी तक नहीं गए हैं, और ये पता नहीं यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, तो ये अभी किचन में जाएगा। और बस ये मैं अभी लॉन्ड्री बास्केट में डालती हूँ। बाकी मैंने कल के लिए अपना ये वाला कपड़ा भी आयरन किया हुआ था मगर मैंने ये नहीं पहना, मैंने वाइट पहना। निर्मल का जो है वो शाम का आउटफिट ये रहा, मेरा आउटफिट जो है वो मुइज़ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुइज़ का मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ और कभी कभी दिखाती हूँ। मुइज़ का इस्तेमाल करके हमने पहले ही रख लिया था, तो मुइज़ इज़ गोइंग टू वेयर दिस, और लेट्स सी कि हमने कभी के लिए क्या निकाला है आज के लिए। यहाँ गए, पहले हम लाइट ऑन करते हैं, फिर हम ये खोलते हैं। मैंने पहले के व्लॉग में दिखाया था कि मेरे बच्चों के शलवार कमीज जो है वो इधर होते हैं, सो कबीर इज गोइंग टू वेयर दिस टुडे। कैन यू प्लीज़ क्लोज द कबर्ड फॉर मी, थैंक यू। तो कबीर कभी निकाल ही लेते हैं, कभी क्लोज द लाइट एज वेल, ठीक है। तो ये भी हम वहीं पे हैंग कर देते हैं जहाँ पर मुइज का हैंग हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं दे रही हूँ, सो अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी दुपट्टा, थैंक यू आपने इतना भी कर लिया। और कबीर अभी ये रहा, कबीर को मैंने अभी शलवार कमीज़ ही बनाया हुआ, कल कबीर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से शलवार कमीज़ कैरी किया था। मेरी निर्मल आ जाओ अब नीचे आ जाओ, आपके स्लिपर्स भी नहीं हैं, क्रॉक्स भी नहीं हैं, ऐसे ही गई थी आप? मलकी ये देखे मेहंदी माशाल्लाह से। हेलो एवरीवन, मैं आपसे मैंने दोपहर में बोला था कि मुझे जाना है आज रात में डिनर पे मुइज की नानी के घर, सो हम गए, ऐसा नहीं है हम नहीं गए, बट उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड। आई डोंट नो लोग कैसे कर रहे हैं यार ईद पे व्लॉगिंग, मेरे लिए तो इट्स यू नो मोर देन डिफिकल्ट, मे बी दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, सो माय फर्स्ट डे आई कुडंट शूट, सेकंड डे आई हैव यू नो ट्राइड लाइक एनीथिंग बट आई कुडंट शूट अगेन। सो मैं जो हूँ आज की जो पिक्चर्स हैं वो मैं इस क्लिप के बाद जो है वो पिक्चर्स लगा दूँगी, तो आप पिक्चर्स देख लेगा सेकेंड डे की, बस यही दिखा सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट आई प्रॉमिस के थर्ड डे हम पूरा दिखाएंगे ईद का, ठीक है। सो फर्स्ट डे और सेकेंड डे की पिक्चर्स देख के गुजारा कर लें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि दिन तो गुजर गया, मैंने इतनी कोशिश की बट आई कुडंट यू नो मैं नहीं कर पाई। सो एनीवेज अभी अब जाकर हमारी जो है वो सेकेंड डे ईद की पिक्चर्स देखें और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इसी व्लॉग में कि मैं थर्ड डे भी शूट कर लूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और मैंने कहा था कि मैं ईद का थर्ड डे दिखाऊंगी, डे नहीं दिखा रही मगर मैं रात दिखा रही हूँ क्योंकि आज मेरे घर में रात में डिनर है,
मेरे बगियार वालों का बेसिकली हम सब ने वन डिश करी है और हम लोग सब साथ में जो है वो थर्ड डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद का। तो सब आने वाले हैं, मैं आपको जल्दी से सेटअप दिखाती हूँ जो मैंने किया है आज फॉर द गेट टुगेदर, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने कुछ ऐसा सेटअप किया है, ये कुशन्स रख दिए हैं यहाँ पे, ये लाइट्स लगवा दी हम लोगों ने फेरी। सो बेसिकली यहाँ पे सब बैठेंगे, हम लोग गेम्स वगैरह जो खेलते हैं वो खेलेंगे और बाकी खाना हमारा वहाँ सर्व होगा, खाना वहाँ लगाएंगे, जिसको वहाँ बैठना होगा वहाँ बैठ जाएगा, जिसको यहाँ बैठना होगा वहाँ बैठ जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सब लग कैसे रहे हैं। तब नेमल, नेमल खड़े होके दिखाएं, शो मी योर ड्रेस। सी नेमल इज लुकिंग लाइक दिस, बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह 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 से नेमल। एंड कबीर, कबीर गेट अप, कबीर जो है वो हमारा ऐसा लग रहा है हैंडसम एकदम, और नेमल दुपट्टा नहीं होना बिटू, अच्छा। और मुइज और शाहजेब, मेरा एक कजन आ चुका है वो ये रहा, तो मुइज और शाहजेब जो है ना ये लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं। मुइज आपको आपका भी लुक दिखा दूं मैं, खड़े हो जाएं जरा, काला शलवार कमीज पहना हुआ है मेरे मियाँ ने, ये रहा। और ये रहा मेरा कजन, ये मेरा चाचा का बेटा है छोटा वाला, और मुइज ये रहे, और मेरी बहन। और मैं जो हूँ ऐसी लग रही हूँ, पूरा ड्रेस मुईज मेरा दिखाएंगे, मुईज दिखाएं भाई मैं कैसी लग रही हूँ, ये लो देखें। तो भाई यहाँ पे मेरे सारे कजन आ चुके हैं और सब बैठे हुए हैं और सबके खाने भी आ चुके हैं। किसी लाई है चिकन हांडी बना के, मैंने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई है वो री, और बोलाई है बिरयानी, और नबिया और ये मेरी कज़न नबिया इसने बनाई है खीर, और ये रोटी, और उसके अंदर है बारबेक्यू। और अब हम चले सबको बुलाते हैं, आ जाओ भाई सारे आ जाओ, खाना खुल गया है।